गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम गांधी जी के राज्य संबंधी विचार, उनके सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुछ चर्चाएं हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, जिसमें अहिंसा, सत्य, उनके राज्य संबंधी सिद्धांत हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि गांधी का सत्याग्रह का सिद्धांत क्या है। गांधी ने अपने अहिंसा के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देने के लिए जिस उपाय का प्रयोग किया था, वह उपाय है सत्याग्रह। और उनका ये जो सिद्धांत है, वो सत्य की अवधारणा पर आधारित है। सत्य के प्रबल समर्थक होने के कारण गांधी जी हमेशा से ही ये मानते थे कि सत्य के राह पर चलकर ही व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सकता है। उन्होंने सत्याग्रह का जो सर्वप्रथम प्रयोग है, वो दक्षिण अफ्रीका में किया था, जिसे निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम दिया गया था। लेकिन गांधी ने ये कहा कि निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह एक नहीं है, बल्कि ये दोनों अलग अलग हैं। सत्याग्रह शुद्ध अहिंसक साधनों पर आधारित तकनीक है, माना है गांधी ने। और उन्होंने कहा कि सत्याग्रह में अहिंसा नाम के लिए कोई जगह, हिंसा नाम के लिए कोई भी जगह नहीं है, और जिसका आधार सत्य है। यानी कि गांधी को जिस आधारभूत विशेषता के कारण जाना जाता है, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, तो सत्याग्रह को प्राप्त करने के लिए सत्य और अहिंसा उसके दो टूल हैं। और सत्य के लिए गांधी ने कहा कि ये व्यक्ति का एक आत्मरूपी शस्त्र है, और वो एक आदर्श है, और ये एक क्रियाशील अवधारणा है। सत्याग्रह का जो दार्शनिक आधार है, वो गांधी के अनुसार ये है कि जिस तरह से उनका कहना है कि शक्तिशाली की विजय का जैविक सिद्धांत, उन्होंने उसको हॉब्स के विचार, जो ये कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के विरुद्ध संघर्षरत रहता है, उसका खंडन किया है। उनका मानना है कि मानव स्वभाव प्रारंभ से ही अहिंसा प्रेमी रहा है, प्रेम में ही रहा है, सत्यवादी रहा है, और वह पारस्परिक सहयोग और सहायता में विश्वास करता है, और वेद शास्त्रों के मार्ग का अनुसरण करता है। कोई भी व्यक्ति या शासक कितना भी निर्दयी क्यों न हो, उसमें मनुष्यता, करुणा, परोपकार तथा दया की भावना अवश्य ही पाई जाती है। सत्याग्रह द्वारा अत्याचारी मनुष्य की सोई हुई आत्मा को जगाया जा सकता है। कोई भी समय ऐसा आता है जब अत्याचारी की आत्मा जब जागृत होती है, जिससे वो अपनी बुराई को पहचान लेता है और उसे दूर करने का प्रयत्न करता है। उनका मानना था कि यदि कोई व्यक्ति बुरा है, तो उसकी बुराई को हम बुराई से दूर नहीं कर सकते। प्रेम से ही अत्याचारी अन्यायी व्यक्ति पर काबू पाया जा सकता है। घृणा घृणा को जन्म देती है, और मानव की दुखों का मूल कारण ही घृणा है। उनका कहना था कि हम सब एक दूसरे के सदस्य हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, हमें एक दूसरे की भलाई करनी चाहिए। सबकी भलाई में ही हमारी भलाई निहित है, और बुराई करके किसी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने यही कहा कि अहिंसा, प्यार और सत्य ही सभी समस्याओं के समाधान हैं, और यही सत्याग्रह के सिद्धांत का संदेश है और मानवता के सुखों का आधार है। अब हम सत्याग्रह के अर्थ की बात करें, तो सत्याग्रह का यदि संधि विच्छेद करके देखा जाए, तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है। ये दो शब्द हैं सत्य प्लस आग्रह। इसका अर्थ है कि सत्य पर डटे रहकर बुराई का विरोध करना, और ये असत्य का विरोध है। हर अवस्था में सत्य को पकड़े रखना है। हिंसा, भय और मृत्यु इसे विचलित नहीं कर सकते हैं, और यह सत्य के लिए तपस्या है। गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में इसे आत्मा का बल भी कहा है। सत्याग्रह का अर्थ होता है कि सत्य पर आग्रह करते हुए अत्याचारी का प्रतिरोध करना, उसके सामने सिर न झुकाना, उसकी बातों को नहीं मानना। लेकिन ये हम तभी कर सकते हैं जब हमें खुद में आत्मबल होगा। आत्मबल का किससे संघर्ष होगा? शक्ति से, और दूसरा पशु बल के साथ में, क्योंकि अन्याय और शोषण के विरुद्ध आत्मा
की जो शक्ति का प्रयोग है वही आत्मबल कहलाता है। और आत्मबल के अंतर्गत हम दूसरे को कन्वींस करेंगे, उसको दबाएंगे नहीं, उसका हृदय परिवर्तन करेंगे ताकि वह अपने विचारों में संयम ला सके। हिंसात्मक साधनों के द्वारा दबाव का प्रयोग यहाँ पर गलत माना गया है। सत्याग्रह से जो अभिप्राय है वो विरोधी को पीड़ा या कष्ट देना नहीं, बल्कि स्वयं कष्ट सहकर सत्य पर डटे रहना और सत्य की रक्षा करना है। जैसे हम कह सकते हैं कि सत्याग्रह रक्षा है, और यह रक्षा विरोधियों को कष्ट देकर नहीं बल्कि स्वयं कष्ट सहकर की जाती है, और यह सच्चाई के लिए तपस्या के अलावा कुछ भी नहीं है। वीपी वर्मा ने यहाँ पर कहा है कि सत्याग्रह का अर्थ अन्याय, अत्याचार और शोषण के विरुद्ध आत्मशक्ति का प्रयोग है। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि सत्याग्रह सत्य के लिए तपस्या है। तो इस वर्णन के आधार पर हम ये मान सकते हैं कि सत्याग्रह का अर्थ सब प्रकार के जो अन्याय हैं, उत्पीड़न है, शोषण, उनके विरुद्ध आत्मबल का प्रयोग करना है, जिसमें हिंसा कहीं भी लागू नहीं होती है, हिंसा का प्रयोग कहीं भी नहीं किया जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें दूसरे को हम कंपेल नहीं करेंगे कि आप हमारी बात मानें, बल्कि उसको कन्वींस करेंगे, उसको उसकी आत्मशुद्धि करेंगे और उसमें ये हृदय परिवर्तन करेंगे कि वो हमारी बात मानने के लिए बाध्य हो जाए, तो जिसके कारण वो क्या करेगा, सत्याग्रह के नियमों में विश्वास करने लगता है। तो राजनीतिक दृष्टि से यदि हम कहें तो इसका अर्थ है कि अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से मनवाने का शांतिपूर्ण शस्त्र भी कहा जा सकता है। अगली विशेषता आती है सत्याग्रह की विशेषताएं। सत्याग्रह की विशेषताओं का अर्थ है कि गांधी ने अपनी यंग इंडिया और हरिजन में सत्याग्रह संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। जैसे सबसे पहला है कि सत्याग्रह आत्मबल का प्रयोग है, स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को भलाई करना ही सत्याग्रह का अनिवार्य भाग है, और सत्याग्रही व्यक्ति विरोधी के हृदय को विवेक और अपील से बदल देता है। सत्याग्रह का सबसे अधिक यूनिवर्सल प्रयोग किया जाता है। इसमें जो साध्य है वो भी अच्छा होता है और जो साधन यूज किया जाता है वो भी अच्छा होता है। सत्याग्रह सामाजिक हित के लिए किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे चर्चा करी है। अब हम इनके डिटेल में आपको बताती हूँ कि सत्याग्रह आत्मबल का प्रयोग है। इसका अर्थ है कि सत्याग्रह में किसी भी तरह के पार्श्विक या शारीरिक बल की बजाय आत्मिक बल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आत्मा शरीर से अधिक शक्तिशाली होती है। अगर कोई भी व्यक्ति कितना भी अत्याचारी हो, अन्यायी हो, यदि हम उसको हम आत्मबल से ही जीत सकते हैं, बुराई को अच्छाई से, क्रोध को प्यार से, असत्य को सत्य से तथा हिंसा को अहिंसा से जीतने पर बल देता है। सच्चा सत्याग्रही अपने विरोधी को कष्ट देने की बजाय उसको प्यार से समझाएगा, अच्छे बुरे का ज्ञान कराकर उसे न्याय की ओर प्रेरित करता है। इस तरह ये आत्मबल द्वारा अत्याचारी के हृदय परिवर्तन की प्रक्रिया कही जाती है। दूसरी बात आती है कि स्वयं कष्ट सहकर सत्याग्रह का अनिवार्य भाग होता है, यानी कि सत्याग्रह में सत्याग्रही स्वयं कष्ट भोगता है और दूसरों का हृदय जीत सकता है। सत्याग्रह का ये आवश्यक नियम है कि सत्याग्रही दूसरों को कष्ट नहीं देता है और वह स्वार्थ पर आधारित नहीं होता है और परमार्थ के लिए वह स्वयं कष्ट भोगता है, दुख स्वयं सहता है और प्राणी मात्र की भलाई को अपने आप को समर्पित कर देता है। जैसे गांधी का मानना था कि जिस तरह से सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, ठीक उसी तरह से अधिक कष्टों के माध्यम से गुजर करके जो सत्याग्रही है वो अपने तप करके कुंदन हो जाता है और वो ऐसा तैयार हो जाता है जो कि दूसरों का हृदय परिवर्तन करने के लिए उसमें आत्मबल का संचय हो जाता है। आत्म पीड़न ही सत्याग्रह के सिद्धांत का आधार है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो कष्ट सहता है या आत्म पीड़न से गुजरता है
वही सुखों को भोगता है। इससे उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है और वह जनता को कन्विंस करने के लिए तैयार हो जाता है। तीसरा जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि सत्याग्रह विरोधी के हृदय को विवेक तथा अपील से बदलता है। जैसा पूर्व में बताया गया आपको कि सत्याग्रही व्यक्ति विरोधी से अपनी बात मनवाने के लिए कहीं भी भय या दंड का प्रयोग नहीं करता है, वो विवेक पर आधारित होता है। अन्यायी या अत्याचारी के हृदय को किसी कष्ट या दंड का भय दिखाकर नहीं बदलता, बल्कि उसका तर्क बुद्धि के आधार पर वह हृदय परिवर्तन के लिए तैयार रहता है। व्यक्ति स्वयं यह अनुभव करता है कि वह गलत या अनुचित कार्य कर रहा है और तर्क बुद्धि के आधार पर वह अन्याय और अत्याचार का रास्ता छोड़कर न्याय की ओर अग्रसर होने लगता है। सत्याग्रह में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होता है, यानी कि सत्याग्रही व्यक्ति अहिंसक साधनों द्वारा ही अपने विरोधी पर के हृदय को जीतता है और अहिंसा ही एक मात्र ऐसा उपाय माना गया है जो हिंसा का नामो निशा मिटा सकता है। गांधी जी ने कहा है कि अहिंसा मनुष्य के पास परमाणु बम से भी अधिक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र है, अतः सत्याग्रह में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। सत्याग्रह प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। सत्याग्रही व्यक्ति ये क्या होता है, कहीं से आता नहीं है बल्कि वो उसका स्वयं का अधिकार है और इसकी जो उत्पत्ति है वो राज्य से ना होकर किससे होती है, आत्मा से होती है। और ये अधिकार होने के साथ साथ एक कर्तव्य भी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी शासक या सरकार जन कल्याण की उपेक्षा करने लग जाए या अन्यायी अत्याचारी हो जाए तो उसका विरोध करना प्रजा का कर्तव्य बन जाता है, लेकिन विरोध हर परिस्थिति में अहिंसात्मक ही होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है इसमें, सत्याग्रह का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, सार्वभौमिक प्रयोग किया जाता है, जीवन के हर क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, चाहे वो क्षेत्र सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग अबाध रूप से, निर्बाध रूप से किया जाता है। इसमें यूनिवर्सलिटी का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सत्याग्रह में खुला व्यवहार, कि सत्याग्रह में कुछ भी गुप्त नहीं रखा जाना चाहिए। सत्याग्रही जो व्यक्ति होता है वो जन समर्थक होना चाहिए, क्योंकि कोई भी छिपाकर किया गया कार्य अविश्वास को जन्म देता है, इससे सत्याग्रह का उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। गांधी जी ने कहा है, जितने खुले रूप से आप बात करोगे उतने ही आप सत्यपूर्ण होंगे, इसमें छल, कपट, धोखा, बेईमानी आदि का समावेश नहीं होना चाहिए और इसी पर ही सत्याग्रह की सफलता निहित होती है, निर्भर होती है। गांधी जी हमेशा अच्छे साधन और अच्छे साध्य की ही बात करते हैं, वो कभी भी ये नहीं कहा उन्होंने कि साध्य अच्छा हो और साधन अनैतिक हो, उन्होंने किसी इस बात का कभी भी समर्थन नहीं किया। उनका मानना था कि सत्याग्रह का लक्ष्य उचित है और उसे उचित प्राप्त करने में उचित साधनों का ही प्रयोग किया जा सकता है। यदि सत्याग्रह सामाजिक हित के लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है तो उसे अच्छे साधनों द्वारा सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, और यदि हमारे साध्य ही गलत हैं तो अच्छे साधन भी असफल सिद्ध होते हैं। अगला पॉइंट आता है, सत्याग्रह सामाजिक हित के लिए किया जाता है। गांधी जी के दर्शन में व्यक्तिगत हित के बजाय सामाजिक हित को प्राथमिकता दी गई है। उनका मानना है कि कोई भी सत्याग्रह आंदोलन तभी सफल हो सकता है जब वह सामाजिक हित की दृष्टि से किया जाए। स्वार्थ की भावना से कोई भी अगर आंदोलन किया जाता है तो वह हमेशा निष्फल होता है। तो जो बात न्याय और सत्य के विपरीत हो तो फिर वो सत्याग्रह से जीतना मुश्किल होता है। इसलिए गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग व्यक्तिगत हित के बजाय सामाजिक हित के लिए करने का समर्थन किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको क्लियर करने की कोशिश की है कि सत्याग्रह क्या है, उसके क्या अर्थ हैं और उसकी क्या विशेषता है। अगले वीडियो में हम आपको चर्चा करेंगे। ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध एक है, जबकि ऐसा नहीं है। सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध अलग अलग है, और सत्याग्रह किन साधनों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, सत्याग्रह के जो तरीके हैं उनके बारे में क्या नियम है, उनकी हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।